पूर्व सर मैं तो बीजेपी का हां बदलाव चावा आठो बीजेपी आगे निकल सी जमीन जुड़ेड़ो आदमी है बड़ी आदमी है एकदम तुना तुनु के साकड़े कोन दा वोट नहीं दंगा लाल दंगा में वोट लाल सर ने देवा गेलो जी मुख्यमंत्री आ बाणो कामड़ो के लागो चादरी लाइव बे में है के सुखी घोषणा घोषणा है विकलांग आदमी देख लियो बोलू हाथ को नहीं तो जदान फोन आन भी मिलनो चाहियो मारा भाई 85% बीजेपी सरकार है ए मारे गांव की भविष्यवाणी कई कर दी बे पार जाई है कौन सी करी जी एक दो बताओ ने बे गुप्ता को राखनी पड़े सगले बता दे बाद में ठीक हो रे नमसा मैं हूं अंकित और देख रहे हो देसी खबरों गुरु जलको चुरू जी हाँ की राजस्थान में चुनाव है भी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है और गांव डाणी घूम गए आप हैं वह गांव का जगह समीकरण है बाकी चर्चा कर रहे हैं ये कड़ी आज चुरू विधानसभा के गिनडी गांव के अंदर हाँ और जगह गिनडी गांव का मतदाता है वह बाकी राय लेवांगा कि चुनावी मुद्दा के है और कौन सा कैंडिडेट प्रबल लाग रहा है और के मुद्दा पर चुनाव हो रही है सियासी समीकरण के है प्रदेश की सरकार है के संभावना लाग रही है अब की बार जो रिवाज रहे 5 सालों सरकार बदलेंगे अब की बार रिवाज बदलेगो या राज बदलेगो हाँ तमाम मुद्दा पर हम बातचीत करांगा वीडियो एंड टाइम देखियो और बढ़िया लगे तो शेयर कर दियो चैनल सब्सक्राइब कर दियो यहाँ की चुनाव होगा अब घना दिन बंचा को नहीं वोटिंग बहुत नजदीक है और जिसकी चुनावी सरगर्मी है वह भी बढ़ने ला रही है नेता दौरा कर रहे हैं तो चुरू को क्या समीकरण है चुरू सर मैं तो बीजेपी का बदलाव चाहवा बदलाव चाहो हाँ बदलाव बिल्कुल बदलाव बदलाव के तो मैं बीजेपी का एमएलए है लेकिन राजस्थान में गवर्नमेंट चेंज चाहूँ राज्य में बदलाव बदला बस चूरू के अंदर कामकाज क्या रहे हो जी चूरू में ठीक ठाक रहे हो बढ़िया नहीं रहे हो तो कठे भी करो ठीक हो कुल मिलाएगी अब की बात थारा उम्मीदवार है बैक क्या लगे बढ़िया एकदम बढ़िया लग रहे हैं जो मेनु जुड़ेड़ो आदमी है बढ़िया आदमी है एकदम और जिताऊंगा तो कांग्रेस के सामने जिसका कांग्रेस और उम्मीदवार है अभी प्रबल बता रहे हैं रफीक मंडेलिया हां है लेकिन 5 साल वहां में 5 साल बाद में बंबई उड़ जाना है फिर 5 साल में लौटे में और वो आदमी की गाड़ी इन बीमारी में न सके ने और रात नहीं जाके जगास का हिंदू क्यों गांव को है और बाकी बंबई का है बंबई मारूं जाए बंजा चुरू को किराए बोलना दस बंबई थोड़ी जाई जाऊ करो मैं तो जमीन जुड़ेड़ो आदमी है बार गांव की कैसा गांव अब हारजीत तो पब्लिक करेगी लेकिन जिताऊंगा अभी बार तो लाल साण में एक तो आज चीज लागी था ना कि जमीन जुड़ेड़ा नेता है दूसरा प्रमुख रही है बम काम काज किया देखो बढ़िया देखा बढ़िया लगे बढ़िया एकदम बढ़िया 5 साल प्रमुख रहे बढ़िया रहे जे रात नहीं गया नहीं तो तेरी ला दे तेरी ला दे थन के लाग देता हूं जी कामकाज किया रहे हो 5 साल बांगो ठीक रहे बाबा बढ़िया रहे हो बढ़िया रहे हो और अठे जी यहां कांग्रेस का नेता खड़े हो रहे रफीक मंडेलिया बीजेपी और लाल सारण है थन मजबूत कौन सो लाग रहे हो अभी बार मान महाला कमो तो लाग है बीजेपी वाला बीजेपी वाला अगला है हां अठे बीजेपी वोट ज्यादा है बीजेपी ज्यादा है तो गांव में तो केवल दूसरा गांव में तो गया वो नहीं पर आठो बीजेपी आगे निकल सी बीजेपी आगे निकल सी पूरे चुरू में केला गया आपकी बार पछि बीजेपी के या कांग्रेस को लगे एमएलए अब मैं तो इन वोट दे जे मारो तो ओई लगे हां तो ही लगे हां तो भी लगता सही खड़ा है सही का मैं तो कुत्र पाल ले बारो ने बता दे और माना को बेरो क्या बारे में कुत्र पूरा कोई फूक से कोई बुद्धि ले बस मैं बता दे नहीं वोट भी दोगा फिर बताओ रोड तो इन नहीं दागा मैं तो सावनी तो पूरी होगी अब के चुनाव में इंटरेस्ट लेओ थोड़ा चुनाव तुनु के साकड़े ही कौन जाओ वोट इन नहीं दागा लाल दागा मैं वोट लाल साहब ने देवा तो लाल साहब ने क्यों देगा के कारण है पीछे पीछे के मर्दतरी है कोई बात कर दिया अच्छा इन कर दिया काम को है इन कर दिया यार रात में बीमार हो गयो जो यार रामचंद्र फोन करे जो इन तो फोन कर दे अब भी मैं इकट्ठा फोन कर दिया मैं तो कौन करा मार तो कौन देता है अब इन कर दिया यार रामचंद्र चाल यार तू कर तो ओ कर दे तो मार तो वही काम को है अच्छा काम आना रहे हाँ और आठ जी राजेंद्र राठौर साहब आए एमएलए बाऊ काम रो क्या रहे हो बाऊ चोखो बोल रहे हो मार तो उठे कोई आदमी बच्चे उठे तो बच्चे नहीं है नट्टे को नहीं और बुड्ढे उठे बुड्ढे नट्टे ने लुगाई गई तो लुगाई नट्टे ने मार वो बढ़िया जोरदार है सो अनिदार आनाणो को नहीं और कोई आ जाओ के वो आगे चल की पर अब इन टाइम में इशू मार बाऊ तो नहीं थर बाऊ इशू को नहीं तो और थन बढ़िया कौन लगा बीजेपी और कौन लगा और मन कौन लगा सही बात है सीधी बात है तो जी राठौड़ साहब आठ हूँ एमएलए तो एक तो बन वोट पड़ता है एक लाल सारण है तो भाई वोट पड़ जाएगा या भी कोई अंतर आगे निकलोगे लाल जी कुछ आगे निकलेगा तो ये पीछे क्या कारण है एक जाट गांव है अच्छा। जाटो गांव है इवन क्यों रिश्तेदारियां के साहब क्यों और बोटड़ा साहब मिलेगा अब बीजेपी को आदमी हूं मैं पक्को मैं खेल रहता अब की बार मैं आगे निकला गाँव में अच्छा तो बीजेपी का शुरू हाँ बीजेपी का लाल सारण है एक बार 2008 में चुनाव और लड़ा जब मैं वोटा हार गया जब मैं बराबर रहा गांव में बराबर रहा अब के माहौल चेंज है के लग रही था अब के मैं आगे यानी 80 पिसा 80 मतलब हां
20-80 हाँ 20-80 है मेरे गांव में। चूरू के अंदर? चूरू के अंदर कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर 5-4 हजार में जीत सका, सामने भी जीत सके, ज्यादा कोई 15-20 हजार तो खेल को नहीं। इतना ही मंत्री जी की रहती 5-7 हजार की, अय्यर लाल जी की है। अब की बार उम्मीद है कि चूरू में बीजेपी वापस फूल कमल खिलेगा? हाँ खिलेगा। सबको राजस्थान में क्या लग रही है? राजस्थान में बीजेपी को मिट आओगी। बीजेपी क्या होगी? बीजेपी तो गहलोत जी तो कह रहे हैं कि मैं कई स्कीम चलाई है, मांग नाम पर वोट मांगू। नहीं आखिरी चलाई मैं 2 महीना पहले चलाई, भिड़ता ही चला देता ना मुख्यमंत्री बनया जो चलाता तो पक्की तो कह चुनाव। लेकिन 2 महीना पहले चलाई कोटा में और बिजली का माफ भी ले रहे 3-3 महीना पहले ने, वो तो चुनावी जुमलो हो गए। बिल्कुल चुनावी जुमलो हो गए। चुनावी जुमलो हाँ समझे, आजकल सब पढ़े लिखे है, धोतिया भी है ना सारा पढ़े लिखे हैं। अगर भिड़ता ही चलाता ना उड़ो तो बिल्कुल वोट मिलता, लेकिन वो 3 महीना हो यही कोटे के महीने एक थेलो बिल है, एक बिजली को बिल है, एक कर्मचारियों की पेंशन करी है वो बढ़िया बात है। पर भाई मारा गाँव में उसे के कर्मचारी तो हेगो नहीं, पर घर में तो कर्मचारी है को नहीं। ओल्ड पेंशन 5 शुरू करी है। अब आंगनबाड़ी की आशा वर्कर कार्यकर्ता ही रोकी रहेगी, गहलोत जी के मिलू को नहीं बोलो जयपुर में कोई जोधपुर में बाड़मेर में क्यों मिले भाई वोट को नहीं। एक मेरे घर वाली भी है नहीं मिल रहा, तो बिल्कुल मिलना ही पड़ो वो बांगे टब्बर को नहीं। मेरे को 9 वोट है, जब 9 वोट बाकी की ना बैठे पड़ेगा मैं कैसी बैठी पड़ी। हाँ बैठी पड़ी सी यार बहु मिल लिया को नहीं, बाड़मेर में गया जोधपुर में गया के भाई आंगनबाड़ी आ रही बोले इनसे नहीं मिलना है क्यों भाई। तो भाई आंगनबाड़ी में ड्यूटी दे रही है सुबह में 8 बजे। गहलोत जी गए? हाँ गहलोत जी गए बिल्कुल, अखबार में पड़ी टेलीविजन नाराजगी है, बिल्कुल नाराजगी है। थाने के लाग रहे जी मैं तो बीजेपी की सरकार लगे लाल साहब तो जी हाँ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ही और गहलोत जी मुख्यमंत्री है। बालो कामड़ो क्या लगे भाई है सुखी घोषणा घोषणा है सुखी सुखी घोषणा है कोई काम तो है नहीं सारा काम जावे तो बेचारे मैं तो कई कह रहे हैं चिरंजीवी योजना राशन किट कई गिना रहे तो बीमार सारे होते हैं बीमार जो कोरोना टाइम है उस टाइम में कोई चिरंजीवी और कुछ था नहीं उसने लगाया नहीं। हमने हमारे भांजे का लॉकडाउन में करवाया था सिर का इलाज करवाया था 10.5 लाख रुपए प्राइवेट में गया था नहीं कुछ मिले को नहीं फायदा कुछ लागू नहीं था कोरोना में सारे बंद कर दिए। अच्छा फायदा हुआ मिले कोई 100 में से 1 आदमी को फायदा मिलता है 100 में 1 नहीं मिला है 100 में से 1 को मिलता है। तो क्या जगह जन आधार कार्ड बने है इनको रजिस्ट्रेशन कराडे में शरण मिला है जन आधार कार्ड है देखो चिरंजीव को फायदा बहुत लंबो चौड़ा है। कल मोबाइल बांटा विधवा महिला ने बांटा विधवा घनकरी तो रहेगी चिरंजीव और विधवा आप जो हमारे देवपुरा में वो विधवा है तो लुगाई ने ये दबुरा तो लुगाई ने फोन विधवा ने फोन दिया तो वही विधवा है नहीं विधुर है इसको फोन मिलना चाहिए मिलना चाहिए मिलो चाहे कायदे तो यार विधवा मऊ सरकार मांगे है तारी मांग तो है ही कोने क्यों ओ चुनावी मुद्दा है मतलब के थाने भी मिलना चाहिए। हां तो जैसे विधवा को मिला तो मैं भी आएगा तो मेरे को भी फोन मिलना चाहिए। हां थाने मिलना चाहिए। हां भाई आपको बेचरोजी से जुड़ा विकलांग आदमी देख लियो बोलू हाथ को नहीं तो जदान फोन आने भी मिलना चाहिए नहीं ब्याह करवाओ अब 2 महीने में बांटते हैं ये रेवड़ी है ना रेवड़ी बनने से आजकल ये पब्लिक है नहीं कार्य कोई नहीं सिर्फ सुखी घोषणा की है। थाने कोई सरकार को फायदा मिले सरकारों को फायदा क्या मिले पेंशन है तो विकलांग पेंशन तो यहाँ की थोड़ी केंद्र की है वो तो उसे किसी परिवार की वो सरकार को मिलेगी 15% बढ़ाई है थारी 15% 700 हजार रुपया अगर 750 हजार करे तो थाने लगे स्कीम में वोटों पर कोई असर कौन पड़ना कोई असर कौन पड़ना घाटो ही है वो कहने वो सीपी समुद्री में संकट फोड़ लेना देना कुछ नहीं बातों का रम जोड़ अच्छा। सिर्फ कानून बनाने और घोषणा करनी है कोई काम किया नहीं है। 85% बीजेपी सरकार है 85% बोलो बता दिए बोला ही है तो बीजेपी जाट समाज पूरा गाँव समाज की बात करी तो सगला समाज आरी वोट करते हैं फिर बीजेपी मेरा वोट जाए हमारे गाँव में कांग्रेस में बाकी मैं कोला गला हमारे गाँव में वोट बम भी है समाज की और बात नहीं पहले यहाँ राजेंद्र से 30 साल से 35 साल से
और आभार लाल जी है, ये किसी जाति पंथ की ओर नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारों को समान समझने वाला लीडर है। और बीजेपी पार्टी ऐसी है, ऐसे नहीं वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सेठ है, ऐसे करने वाला लीडर नहीं। इसके कारण लाल जी को यहाँ से भारी बहुमत मिली। तो राजेंद्र राठौड़ के नाम पर भी वोट मिलेगा? हाँ, 10,000 वोट जो आप उनके निजी हैं उसको पार्टी से मतलब नहीं, वो तो अरलाल जी को मिलेंगे। राठौड़ का मुख्यमंत्री की तरफ चांस हो रहा है। मुख्यमंत्री लगे था ना, हमारे विचार है कि मुख्यमंत्री बनेगा और हमारे जेब में है कि मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को ही बनाना चाहिए। ऊपर वसुंधरा जी है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, कई नेता है, कई नेता है, बारे आने या नहीं आने वो तो पार्टी की बात है, परंतु हम ये कहते हैं योग्य है ना, योग्य नंबर वन पर राजेंद्र सिंह राठौड़ है। एक नंबर राजेंद्र राठौड़, एक नंबर हमारे हिसाब से एक नंबर है। और विधायक चोरू का लाल प्रसाद 110% बनेगा। 110% ताऊ जी बता रहे हैं 110% है लाल सान बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल 110% सच्ची है ताऊ जी, सही एकदम। तो इनके पीछे की कारण है? तो आगे पीछे आगे भविष्यवाणी को कारण है। भविष्यवाणी सच्ची है? हाँ बिल्कुल सच्ची है। हमारे गांव की भविष्यवाणी कई कर दी, वह पार जाए हैं। कौन सी करी जी एक दो बताओ? नहीं गुप्ता राखनी पड़े सगले बता दें बाद में, ठीक हो रहे मीडिया में। आप एक और कर देगा मुख्यमंत्री राजेंद्र राठौड़? हाँ मुख्यमंत्री भी राजेंद्र राठौड़ मनस के लाल जी आराम जीत रहे हैं। लाल जी आराम जीत रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं। तो लाल जी जी जिला प्रमुख पद पर रहे, काम काज किया रहे हो? काम काज तो देखो बढ़िया रहे हो गए, पर आप ये है कि काम काज को तो है कि आप तो देखो बीजेपी हाँ में तो बीजेपी देता है वोट, बीजेपी लेना है मान तो वोट बीजेपी नहीं देना है। हाँ। चूरू में चुनाव है, लाल सान रफीक मंडेलिया कौन सा मजबूत लग रही है? मान तो मेरे तो मान तो वोट दे को लगा है। वोट किन दे? मैं तो बीजेपी जाऊँ। बीजेपी दे? हाँ। मतलब लाल सान लग रहा था? हाँ। अच्छा तो रफीक मंडेलिया चांस कम है? मां तो चांस कम ही है, तुम्हारे गाँव में चांस कम ही। अब आगे मान के नहीं। अच्छा थारा गम हूँ लाल सान आ गए अगे चूरू में की बार चूरू पर मैं जाऊँ मान के चूरू का कुल आगे कुल है भाई की जाके दिखा जाते पूछे आठों लाल सान लग रही ठीक है। तानगर मंत्री लग रही मान तो तानगर मंत्री राजेंद्र राठौड़ साहब। हां ये दोनों मानते हैं बहुत कड़े मुकाबले है बे हवा कि दोनों मानते हैं चोखला दोनों इतना जेटा भी जीतने मुंह देखने जावा गांव का मायने तो गांव जा कोई बीजेपी आ गई है अठे की दिए बात कर ले तो अठे की स्थिति है परिवार है लगातार चुनाव लड़ रही है लोकसभा विधानसभा लेकिन जीत नसीब को नहीं हो रही अब की बार की है वो थोड़ा टूटे को रिवाज की संभावना है केंद्र में बीजेपी की आगे सरकार काम काज की यहाँ लागू था ठीक है ये बढ़िया लागू असुविधा दे रहा की एक तो दिनों जो करा रहा है 25 लाख रूपए गरीब आदमी के लिए तो 25 लाख रूपए बहुत हो गए। दूसरी बात है कि केंद्र में सरकार बीजेपी के तो अपने राज्य में कांग्रेस की है तो ये तो काम भी बंगा हाथ में भी तो कोई एक लाख कराना है फिर भी कुल मिला के जनता के लिए गलत ठीक ही कर रहे काम के लग रहे बीजेपी आएगी भाई साहब बीजेपी आएगी बिल्कुल केंद्र राज्य दोनों में आएगी बीजेपी दोनों में बिल्कुल। तो राज्य मुख्यमंत्री किन चाहूंगा अगर बीजेपी आपस राजेंद्र सिंह राठौड़ को राठौड़ साहब ने जी तो राठौड़ साहब तो मुख्यमंत्री जी बनाए चूरू में ज्यादा सीट जीतता है। हाँ तो बिल्कुल जीतेगा बिल्कुल हमारे गांव में 90% लाल जी वोट जाएगा 90% हर जात से बीजेपी आगे आएगी। चूरू से बैग रहे थे वो तो पता नहीं गांव से सब बीजेपी बैग किया रहे तो अब वो तो अलग अलग है जात से बीजेपी आएगी।